आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्टेक्स विद ऑयस्टर जिंजर हनी सॉस, द रेसिपी यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। सबसे पहले इसके लिए हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था अपना अंडर कट बीफ, 150 to 200 grams ईच है और 1 inch थिक। इसे काली मिर्च, नमक, सोया सॉस एंड विनेगर के साथ हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। यू कैन मैरिनेट इट फॉर लाइक फ्रॉम हाफ एन आवर टू अप टू अ डे। उसके बाद असल चीज़ इसकी ग्रिलिंग है। ग्रिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हाई फ्लेम पे ग्रिल करना है, डिपेंडिंग ऑन योर टेम्परेचर, आपको कैसा पसंद है। फॉर मी इट्स मीडियम, तो वो उसके लिए आप 2 minutes ऑन ईच साइड इसे ग्रिल करेंगे। और डिपेंडिंग आपको मीडियम रेयर चाहिए, मीडियम वेल चाहिए या वेल डन चाहिए, उसके टाइमिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, तो यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। और या फिर आप इसका टेम्परेचर थर्मामीटर लेके चेक कर सकते हैं। एनीवेयर बिटवीन 135 डिग्रीज टू 165 डिग्रीज आपका स्टेक का इनर टेम्परेचर होना चाहिए व्हेन यू पुट इट ऑफ फ्लेम। इसे आप दोनों साइड से ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल करने के बाद आपने इसे रेस्टिंग पे रख देना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप इसे ओवर कुक नहीं कर दें अंडरकट बीफ को, वरना ये ड्राई हो जाता है और बिल्कुल रबर का पारचा बन जाता है। तो आपने इसको ग्रिल करने के बाद रेस्टिंग पे रख देना है फॉर 4 to 5 minutes ताकि सारे जूसेस वापस आ जाएं। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर सॉस। इसमें हम चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, 2 to 3 cloves इन अ प्री हीटेड ऑयल। उसे हल्का सा सौते करने के बाद वी विल ऐड जिंजर इन इट, 2 teaspoon ऑफ फाइनली चॉप्ड जिंजर, और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे साथ। नेक्स्ट अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट ऑयस्टर सॉस, 2 tablespoons, कोई भी कमर्शियली अवेलेबल आप ऑयस्टर सॉस ले लीजिए और वो ऐड कर लें। और साथ हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है टू जस्ट मेक इट फ्लूइडी, ताकि आपकी सॉस का कंटेंट ज़्यादा हो जाए और थिकन अप जब हो तो वो प्रॉपर आए। फिर आप इसमें विनेगर ऐड कर लें 1 tablespoon एंड सोया सॉस 1 tablespoon। ये आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। आई लाइक टू हैव इट अ टैंगी फ्लेवर, इसलिए मैंने ऐड किया था। देन ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, दिस इज़ नोन एज डी ग्लेजिंग। आप अपने पैन को हीट करके, जो स्टेक पैन है उसमें पानी के साथ या स्टॉक के साथ आप उसे हीट करें और जो उसके सारे जूसेस हैं वो आप निकाल के अपनी सॉस में ऐड कर लें। इट गिव्स अ रियली गुड फ्लेवर। तो ये डी ग्लेजिंग मैं अपनी हर सॉस बनाते हुए ज़रूर करता हूँ, एंड इट गिव्स अ रियली रियली गुड फ्लेवर। नाउ वी विल बी एडिंग बारबेक्यू सॉस। मैं डिपेट का बारबेक्यू सॉस यूज़ कर रहा हूँ, 1 to 2 tablespoons। Don't forget to subscribe to our channel and follow us on Insta and Facebook. बाकी जिस आप इसे अपने सॉस को थिक होने दें, हाई फ्लेम पे इसे पकाएं। ये हमारी पहली वीडियो थी जो हमने बनाई थी, तो सॉरी फॉर द कैमरा वर्क, मेरा कैमरा मैन बहुत कैमरा हिला रहा है। नाउ वी आर एडिंग ब्लैक पेपर 2 teaspoons। फ्रेश ग्राउंड ब्लैक पेपर गिव्स अ वेरी गुड फ्लेवर। और साथ ब्राउन शुगर 1 tablespoon and honey 1 tablespoon. They are the main showstoppers for this sauce, and believe me, like, they are excellent to give the taste or sweet and tangy jo flavor ka mixture hai, it's amazing. Jab aap try karenge to you would know ke what I'm talking about. It's simply too good. Baaki ye humne sabse pehle added ki thi, but then we didn't find time to make it perfect. स्टेक का एक और वीडियो ड्यू है, विच आई वुड बी मेकिंग विद प्रॉपर कुकिंग इंस्ट्रक्शंस, बट देन फॉर बिगिनर्स इट इज़ अ वेरी गुड वे टू मेक बीफ स्टेक्स। थोड़ा सा हनी और ऐड किया है क्योंकि आई वॉज मेकिंग दिस सॉस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई जस्ट वॉज चेकिंग इट लाइक एनी देसी कुक के टेस्ट सही हो गया है, टेस्ट सही हो गया है, एंड बिलीव मी इट टर्नड आउट टू बी परफेक्ट। So this is the final look of our sauce, the thickness and the texture. Now we'll dish it out on our steaks, and here is the final look of our steak. Voila! Do give it a try. Bye bye.